हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है उसका हिंदी फाइल है, जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिसमें सबसे पहले सैद्धांतिक पक्ष आता है, जिसमें बुद्धि, स्वरूप, अर्थ एवं परिभाषा इसके बारे में है। और आगे हम बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। फिर अगले पेज पर अलग अलग जो थिंकर्स हैं उनकी परिभाषा है, काल्विन की है, रायबर्न की है, स्टेनर की है और गाल्टन की है। इन सभी की जो परिभाषा है इनके अनुसार वो है अगले पेज पर। और बकिंगम की है, जिन्होंने लिखा है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। फिर वुडवर्थ की है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। फिर टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। और नेक्स्ट जो है वो वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। नेक्स्ट जो है वो है डोथर बर्न के अनुसार बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। फिर हेनमान के अनुसार बुद्धि में दो तत्व हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। बिने के अनुसार बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। थंडई के अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि अनुभव के प्रयोग, नवीन परिस्थितियों में समायोजन, परिस्थिति को समझना तथा क्रिया को व्यापक रूप से देखना ही बुद्धि है। तथा हम यह भी समझते हैं कि परिभाषाओं में वस्तुतः बुद्धि की परिस्थितियां विरोधी नहीं हैं, क्योंकि ये सभी परिभाषाएं एक ही बात को कहने की विभिन्न विधियां हैं। बुद्धि का वास्तविक अर्थ, यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में बुद्धि की उपयुक्त परिभाषाओं में भिन्नता है, किंतु वास्तव में उनमें भिन्नता के बजाय समानता अधिक है। इसका कारण यह है कि यदि किसी व्यक्ति में छह कार्यों में से एक कार्य को करने की योग्यता है, तो उसमें अन्य कार्यों को करने की क्षमता होती है। अतः वैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। आधुनिक शिक्षा जगत में बुद्धि का सही अर्थ सर्वमान्य है। इसकी पुष्टि में दो भिन्न परिभाषाएं दी जा सकती हैं, जो इस प्रकार हैं। कोलेसनिक के अनुसार बुद्धि कोई एक क्षमता या शक्ति या योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, वरन अनेक विभिन्न योग्यताओं का योग्य है। रैक्स व नाइट, बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में समान रूप से सम्मिलित रहता है। यह परिभाषा इन शताब्दी की एक सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठान करती है। बुद्धि के विषय में अब एक नया मत विकसित हो रहा है कि बुद्धि नामक कोई तथ्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है। किसी कार्य को करने की क्षमता की भिन्नता ही विभेद करती है। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में अपनी योग्यता का लाभ उठाता है तो दूसरा व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में लाभ उठाता है। स्ट्रॉडर ने इसलिए बुद्धि के स्वीकार करते हैं और वे कहते हैं बुद्धि वह योग्यता है जिसमें कठिनाइयों, जटिलता, अमूर्तता, मित्यवति, उद्देश्य के प्रति अनुकूलता, सामाजिक मूल्य, मौलिकता की आवश्यकताओं की विशेषता हो तथा भावनात्मक व्यक्तियों के प्रति सहनशील हो।
बुद्धि की परिभाषाएं। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। इस योग्यता से व्यक्ति अपने को तथा दूसरे को समझता है, अतः सामाजिक तथा वैयक्तिक परिवेश में अंत क्रियात्मक गतिशीलता तथा क्षमता का नाम ही बुद्धि है। बुद्धि की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता देती है। बुद्धि व्यक्ति को अनेक बातों को सोचने में सहायक होती है। बुद्धि व्यक्ति को अपने मत अनुभव को लाभ उठाने की क्षमता देती है। बुद्धि व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों या वातावरण से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक, उचित अनुचित कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है। बुद्धि वंशानुक्रम तथा वातावरण से अत्यधिक प्रभावित होती है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो बुद्धि के प्रकार। बुद्धि का विभाजन करना एक कठिन कार्य है। यह वह क्षमता है जिसे भिन्न परिस्थितियों तथा बुद्धि का वर्गीकरण विद्वानों ने इस प्रकार किया है। गैरेट ने तीन प्रकार से उल्लेख किया है। मूर्त बुद्धि, इस बात को गायक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह यंत्रों और मशीनों के कार्य में विशेष रुचि रखता है। तब बुद्धि के इस व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता आदि होते हैं। अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञान अर्जन में विशेष रुचि लेता है, अतः इस बुद्धि को रखने वाले व्यक्ति अच्छे वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार आदि होते हैं। फिर सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह मिलनसार सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला और मानव बुद्धि के थंडाइक ने इसको तीन भागों में वर्गीकृत किया है। अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति समाज में समायोजन करता है, विभिन्न व्यवसायों में सफलता प्राप्त करता है। अमूर्त बुद्धि ज्ञानोत्पार्जन के लिए होती है। शब्दों, प्रतीकों तथा समस्या समाधान आदि के रूप में उपयोग किया जाता है। सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति समाज में समायोजन करता है, विभिन्न व्यवसायों में सफलता प्राप्त करता है। यांत्रिक बुद्धि, इस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति यंत्रों और भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है। ऐसे व्यक्ति इंजीनियर, मैकेनिक, तकनीशियन आदि होते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के किन किन स्वरूप, अनेक कार्य इत्यादि को स्पष्ट करने के लिए उद्देश्य से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जो उसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। इनमें से प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। खट का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक बिने टर्मन और स्टर्नर हैं। उन्होंने बुद्धि को एक अखंड तथा अविभाज्य इकाई माना है। उनका मत है कि व्यक्ति के विभिन्न मानसिक योग्यता एक इकाई के रूप में कार्य करती है। योग्यता की विभिन्न परीक्षाओं द्वारा यह मत असत्य सिद्ध कर दिया गया है। दो खंड का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्यता योग्यता या तत्व, विशिष्ट योग्यता या तत्व, सामान्य योग्यता या सामान्य तत्व। स्पीयरमैन ने सामान्य योग्यता को विशिष्ट योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार सामान्य योग्यता सब व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में होती है। इसकी मुख्यतः विशेषता है वह योग्यता में जन्मजात होती है। यह उसमें सदैव एक सी ही होती है। यह प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है। यह उसके सब मानसिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट तत्व, इन योग्यताओं का संबंध व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है। इसकी विशेषता है यह योग्यता अर्जित की जाती है। योग्यता अनेक और एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। विभिन्न योग्यता का संबंध कुशल कार्यों से होता है। जिस व्यक्ति में योग्यता अधिक होती है उसी से संबंधित कुशलता में वह सफलता प्राप्त करता है। तीन खंड का सिद्धांत, यह सिद्धांत स्पीयरमैन के नाम से संबंधित है। दो खंड का सिद्धांत प्रतिपादन करने के बाद उसने बुद्धि का एक खंड बताया। उसने उसका नाम सामूहिक खंड या तत्व रखा। उसमें इस खंड में ऐसी योग्यता के स्थान दिया जो सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यता से निम्न होने के कारण उनके मध्य का स्थान ग्रहण करती है। बहुखंड का सिद्धांत, स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत पर आगे कार्य करके मनोवैज्ञानिकों ने बहुखंड का सिद्धांत प्रतिपादित किया।
इन वैज्ञानिकों में कैली और थर्स्टन का नाम उल्लेखनीय है। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। कैली के अनुसार खंडों में विभाजित किया, जिनमें सबसे पहले है कामक योग्यता, सामाजिक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, शाब्दिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, स्थान संबंधी विचार योग्यता, रुचि। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के खंड, इन्होंने अपनी पुस्तक के 13 तत्व या खंड बताए हैं, जिसमें से निम्नलिखित 9 को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहला है स्मृति, दूसरा है प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, तीसरा सांख्यिकी की योग्यता, शाब्दिक योग्यता, समस्या समाधान योग्यता, तार्किक योग्यता, निगमात्मक योग्यता, आगमनात्मक योग्यता, स्थान संबंधी योग्यता। मात्रा सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादक थंडाइक ने किया है। ये सामान्य मानसिक योग्यता के समान किसी तत्व को स्वीकार नहीं करता। थंडाइक का मत, मस्तिष्क का गुण स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करता है। इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि उतनी ही अधिक अच्छी होती है जिससे अधिक मस्तिष्क और स्नायुमंडल के संबंध होते हैं, क्योंकि व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं के आधार पर यही संबंध बनता है। बुद्धि परीक्षाओं का इतिहास। बीबी समानता के अनुसार भारत के लिए बुद्धि परीक्षा कोई नई बात नहीं है। वेदों और पुराणों में जहाँ जहाँ बुद्धि परीक्षाओं का उल्लेख मिलता है, यज्ञ और युधिष्ठिर का संबंध बुद्धि परीक्षा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। छात्रों की बुद्धि परीक्षा के लिए जटिल प्रश्नों, पहेलियों, समस्याओं आदि का प्रयोग किया जाता है। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन विधियों में बुद्धि परीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था। आज परिस्थिति ऐसी है कि भारत विदेश द्वारा बनाई गई बुद्धि परीक्षाओं की विधियों का प्रयोग कर रहा है। 1879 में विलियम बुट ने जर्मनी के लिपिजिंग नामक नगर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करके बुद्धि मापन के कार्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। इस प्रयोगशाला में बुद्धि की माप यंत्रों की सहायता से किया जाता था के कार्य प्रोत्साहित होकर अन्य देशों के मनोवैज्ञानिकों ने भी बुद्धि परीक्षा का कार्य आरंभ किया। निष्कर्ष, मनोवैज्ञानिक ने उपयुक्त सिद्धांतों के अलावा बुद्धि के संबंध में और भी विस्तृत सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, पर वे अभी तक ना तो बुद्धि के स्वरूप और ना व्यक्ति के सामान्य एवं विशिष्ट योग्यताओं के बारे में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच पाए। बुद्धि के संबंध में आधुनिक विचारधारा को व्यक्त करते हुए विटमर ने लिखा, इस बात में बहुत संदेह है कि बुद्धि के समान कोई स्वतंत्र को इकाई है। अतः यह कहने के बजाय कि व्यक्ति में बुद्धि है, यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वह अधिक बुद्धिमतापूर्ण व्यवहार करता है। फिर ये सैद्धांतिक पक्ष था। अब हम आ जाते हैं प्रयोगात्मक पक्ष में, यानी कि जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा वो देखते हैं। सबसे पहले परीक्षण का नाम बुद्धि परीक्षण, निर्माणकर्ता जेसी रेवन स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। उद्देश्य, परीक्षण की सहायता से विषयी अथवा परीक्षार्थी के बौद्धिक स्तर का मापन करना होगा। फिर परीक्षणकर्ता का विवरण, उसका नाम, आयु, लिंग, उसकी शैक्षिक योग्यता और शारीरिक तथा मानसिक स्थिति। फिर विषय यानी जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके बारे में कि जो है उसका डिटेल हमें लिखना होगा, उसका नाम, आयु, लिंग और शैक्षिक योग्यता, शारीरिक तथा मानसिक स्थिति और परीक्षण की दिनांक व परीक्षण का स्थान। इतनी चीज़ें हमें फिल करनी होगी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर उसका समय लिखना होगा, आपने कितने बजे ये परीक्षण किया, आवश्यक सामग्री, परीक्षण पुस्तिका, उत्तर पत्र, नियमावली, पेंसिल, रबर, वॉच, स्टॉप वॉच, पेन, ग्राफ पेपर, इतनी चीज़ें लेनी है हमें। फिर प्रारंभिक तैयारी हमें क्या करनी होगी, विषय को बैठाने के लिए उपयुक्त स्थान देना होगा, सुविधाजनक फर्नीचर की व्यवस्था करनी होगी और परीक्षण के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा, प्रकाश तथा हवा की उचित व्यवस्था करनी होगी, परीक्षण के समय बाहरी अवधान का ना होना सुनिश्चित करना होगा।
फिर उसके बाद इस परीक्षण को करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी है, विषय को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, दबाव मुक्त होना चाहिए, परीक्षण की पूरी जानकारी होनी चाहिए, परीक्षण के संबंध में पूरी जानकारी देनी चाहिए, उत्तर कुंजी पहले से नहीं दिखाई जानी चाहिए। इतनी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा कि ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं अपने प्रैक्टिकल के दौरान। फिर आगे चलते हैं, फिर निर्देश। आपको अपने परीक्षण पुस्तिका तथा उत्तर प्रपत्र दिए जाएंगे। परीक्षण पुस्तिका में कुल 5 खंड हैं जो क्रमशः ABCDE के नाम से हैं। प्रत्येक खंड में 12-12 प्रश्न दिए हैं। पुस्तिका में प्रश्न डिज़ाइन में दिए गए हैं तथा उनमें एक पैटर्न का स्थान खाली है जिसे भरने के लिए नीचे आपको कुछ डिज़ाइन के अंक दिए गए हैं। जो अंश आपको उचित लगे उसका नंबर दिया गया है। उत्तर प्रपत्र में प्रश्न संख्या के आगे लिखना है। प्रश्न प्रारंभ में सरल तथा निरंतर अंक तक कठिन हो जाएंगे। आपको इन प्रश्नों के पैटर्न को समझना है, सभी प्रश्नों को हल करना है, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। यदि किसी प्रश्न पर अधिक कठिनाई का अनुभव हो तो समय व्यर्थ ना करें, आगे बढ़ जाएं। आपके पास पर्याप्त समय है, आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको अपने प्रयोज्य को बोलनी है, यानी जिस पर आप एक्सपेरिमेंट। फिर इस प्रैक्टिकल को करने की विधि, सर्वप्रथम जो हमारा विषय होगा उसको बैठाने की उचित प्रबंध किए। कक्षा में उचित प्रकाश, वायु, पेयजल की व्यवस्था करें। विषय को परीक्षण के विषय में बताएं और खंड में से कई खंडों में से 12 प्रश्न हैं तथा कुल 60 प्रश्न हैं जिनके पद एवं अनुभाग भी कठिनाई स्तर के अनुभव को व्यवस्थित करते हैं। इस परीक्षण में प्रत्येक पद में एक चित्र होता है। इस चित्र में टुकड़ा काटा गया है, इस नाप के अन्य टुकड़ों के साथ मिला दिया गया है। विषय को उन टुकड़ों में से उस टुकड़े को बताने के लिए कहा गया है। विषय को सभी प्रश्न करने हैं तथा क्रमबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए गए हैं। विषय को उत्तर प्रपत्र में मांगी गई जानकारी ठीक से भरनी होगी। अंत में विषय प्रश्न पर हल करने को कहा जाएगा। साथ में विषय को अवगत कराया जाएगा कि इस पुस्तिका को हल करने के लिए आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षण समाप्त करने पर समय नोट किया जाएगा तथा विषय से प्रश्न पुस्तिका तथा उत्तर प्रपत्र वापस ले लिया जाएगा तथा विषय को जाने को कहा जाएगा। फिर फलांक निकलेगा। फलांक की प्रतिक्रिया अति सरल तथा सुविधाजनक है। विषय को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक तथा गलत के लिए 0 अंक प्रदान करना है तथा अंत में सभी अंकों को जोड़ लेना है और फलांक प्राप्त कर लेना है। ये इस तरीके से निरीक्षण तालिका बनेगी जिसमें उसने किस सेट पे कितने अंक प्राप्त किए हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी होगी। ए पर उसने 11 अंक प्राप्त किए हैं, अपेक्षित अंक 12 थे। इस तरह से फिर परिणाम में फलांक 54 आया है, प्रतिशत 90% है और ग्रेड सेकंड है। और इसकी व्याख्या है, बुद्धिमत्ता क्षमता औसत या सामान्य के ऊपर है। फिर परिणामों की व्याख्या, सेट ए में अपेक्षित अंक 12 है तथा विषय को प्राप्त 11 अंक हुए हैं। अतः विषय में एक की विसंगति पाई गई है जो यह दर्शाती है कि विषय से जितना अपेक्षित अंक से एक अंक कम प्राप्त किया है। सेट बी में अपेक्षित अंक 11 है तथा विषय ने 12 अंक प्राप्त किए हैं। अतः इस सेट की विसंगति 1 है। अतः इसका तात्पर्य उसे इस सेट में केवल एक भी उत्तर देने में कठिनाई नहीं आई। सेट सी, इस सेट में अपेक्षित अंक 11 है तथा विषय ने 11 ही अंक प्राप्त किए हैं। अतः इस सेट की विसंगति 0 है।
सेट डी इस सेट में परिणाम 11, 54 विषय ने इस सेट में 11 ही अंक प्राप्त किए, अतः विसंगति स्कोर विषय का 0 है। इस कारण कह सकते हैं कि विषय ने इस सेट को ध्यानपूर्वक एवं रुचिपूर्वक किया है। सेट ई इस सेट में 10 अंक है तथा विषय ने 9 अंक प्राप्त किए हैं, तो इसकी विसंगति 1 है। इसमें यह कहा जा सकता है कि इस सेट में विषय को उत्तर देने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। निष्कर्ष यह निकलता है कि इस प्रकार उपरोक्त परिणामों से स्पष्ट है कि इस परीक्षण में विषय को 54 अंक प्राप्त हुए हैं तथा उसका प्रतिशत 90 है, अतः इस विषय को ग्रेड सेकंड है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विषय अपने मानसिक या बौद्धिक स्तर की दृष्टि से औसत बुद्धि से अधिक की श्रेणी का अंतर्गत आता है। बुद्धि परीक्षण के शैक्षिक निहितार्थ। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार बालक को केंद्र मानक शिक्षा देनी चाहिए, इसलिए बालक की बुद्धि और योग्यता को ध्यान में रखकर शिक्षा देना आवश्यक है। शिक्षा में बुद्धि परीक्षाओं की निम्नलिखित उपयोगिता होती है। बुद्धि परीक्षा की सहायता से विद्यालय प्रवेश, छात्रवृत्ति तथा वाद विवाद आदि प्रतियोगिताओं के लिए सर्वोत्तम बालक को चुनाव कर सकता है। इस परीक्षण के परिणामों के आधार पर तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि तथा सामान्य बालकों का वर्गीकरण करके उन्हें पृथक पृथक रूप से उपयुक्त शिक्षा दी जा सकती है। इन परीक्षाओं के द्वारा विद्यालय में सर्वोच्च बालक को चुनाव किया जा सकता है तथा उचित शैक्षिक निर्देश हेतु उसकी विशिष्ट योग्यता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इन परीक्षाओं की सहायता से बालक की योग्यता के ज्ञात कर उन्हें पाठ्य विषयों के चयन में सहायता दी जा सकती है। इन परीक्षाओं द्वारा बालक को अपराध में माफ कीजिएगा अध्यापकों को किसी प्रकार पढ़ाना है इसका भी पता लगाया जा सकता है। यह परीक्षण बालक की व्यावसायिक संबंधी योग्यता तथा क्षमताओं को भी ज्ञान देती है, जिसकी उनकी शिक्षा सार्थक हो सके तथा उन्हें व्यावसायिक चुनाव में सहायता प्रदान हो सके। इन बुद्धि परीक्षणों में राष्ट्र के बालकों के बौद्धिक स्तर का भी ज्ञान होता है। अतः उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि वर्तमान युग में बुद्धि परीक्षण तथा सेवा योजना में अभ्यर्थियों के चयन अथवा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अत्यधिक अनिवार्य हो गया है। अतः शिक्षा तथा अन्य सभी आवश्यक क्षेत्रों में विभिन्न बुद्धि परीक्षणों में वांछनीय परिवर्तन व संशोधन करके उन्हें प्रयोग में लाया जाना चाहिए। फिर संदर्भ ग्रंथ सूची में आ जाते हैं कि ये जो मटेरियल आपने फाइल में पाया है वो कहाँ कहाँ से आपने कलेक्ट किया है। पीडी पाठक की पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान से, मंगल एस के मंगल की पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान से, मालती सरस्वत की पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा, और डॉक्टर ऋतु शर्मा शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य 2019 ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की बुक से। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा उम्मीद है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। बुद्धि परीक्षण जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और आपको PDF अवेलेबल होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको PDF का, और पूरी प्लेलिस्ट का वीडियो होगा जो BEd फर्स्ट सेमेस्टर टू फोर्थ सेमेस्टर सारी फाइलों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।